हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स नंबर वन इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हम एमपीपीएससी का पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक सुने। आज हमारा लास्ट है हेल्थ का। यूनिट 6 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे हेल्थ के पूरे चैप्टर देखिए। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया, हेल्थ कंप्लीट कर दिया। आज हमारा सेकंड पार्ट है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेकंड पार्ट अपन कंप्लीट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देन आफ्टर सेकंड ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI इज अ ऑटोनॉमस बॉडी। ये ऑटोनॉमस बॉडी है जो एस्टेब्लिश कब हुई, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और ये एस्टेब्लिश कब हुई, अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, प्रोटेक्टिंग प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए थ्रू द रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। रेगुलेशन और सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस एक प्रीमियम मेडिकल इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, जो बेंगलोर। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस एक एपेक्स सेंटर है मेंटल हेल्थ के लिए और न्यूरोसाइंस के लिए एजुकेशन इन द कंट्री। ये इंस्टीट्यूट नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दे चुका है इसको। ये ऑपरेट ऑटोनॉमसली काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेशनल बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो, नेशनल इंडियन बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये इंस्टीट्यूट अपने काइंड का है, जो कि विच हैज वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्निंग एडवाइजरी अकेडमिक बोर्ड, जिसमें स्ट्रॉन्ग गवर्निंग और एडवाइजरी और अकेडमिक बोर्ड है। ओके, IBRI रन बाई अकेडमिशियन फ्रॉम डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फील्ड, कई सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजी फील्ड से आते हैं इसके अंदर जो काम करते हैं। और इसका मैंडेट क्या है, टू अंडरटेक रिसर्च एंड ट्रेनिंग फ्रॉम बेसिक टू इंडस्ट्रियल लेवल इन बायोसाइंस डोमेन। ओके, ये 50 से प्लस कंट्री करता है फॉर आवर कोर्स। 50 से प्लस कंट्री के बच्चे इसके अंदर आते हैं जो कि कोर्स करते हैं किसके ऊपर, बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर, रिसर्च के बारे में। ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो कि डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विस के अंदर काम करता है, जो कि हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करता है और हेल्थ प्रमोशन इन द कंट्री, हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोशन की काम करता है। ब्यूरो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है ये। ओके, इसका फंक्शन क्या है, इम्पार्टिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम देना टू डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ और नॉन हेल्थ प्रोफेशनल, डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ एंड नॉन हेल्थ प्रोफेशनल। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कंस्टिट्यूट करी जाती है फार्मेसी एक्ट में 1948। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन इन द कंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसिस्ट, फार्मेसिस्ट को रजिस्टर करने की। आपको पता है कि डॉक्टर जो फार्मेसी करता है वो मेडिकल खोलते हैं। ओके, बी फार्मा कर लिया, बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा कर लिया, तो ये फार्मेसी की हायर अथॉरिटी है। ओके, अभी एट प्रेजेंट 500 अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हैं अभी अब इंडिया में। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल पर वर्क करना, ये सेचुरिटी बॉडी है जो कि डेंटलिस्ट एक्ट 1948 में अधिवेशन पास किया, एक्ट पास किया, उसके थ्रू बनी। इससे क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रेगुलेटिंग डेंटल एजुकेशन, प्रोफेशनल डेंटल एजुकेशन और प्रोफेशनल को रेगुलेट करना और इसके एथिक्स कंट्री में रेगुलेट करना। ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि अंदर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1948 में सेटअप हुई इस एक्ट के थ्रू। ओके, काउंसिल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग फॉर नर्स। आपको पता है नर्स को ट्रेनिंग देने में, ठीक है, मिडवाइफ को ट्रेनिंग देने में, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एंड लेडी हेल्थ विजिटर इन इंडिया, जो आपके घर में लेडी हेल्थ विजिटर आती है जो कि केयर करती है आपके ओल्ड एज पेरेंट्स की, उनको भी ट्रेनिंग ये देती है। ओके, काउंसिल प्रिस्क्राइब द सिलेबस और रेगुलेशन फॉर वेरियस नर्सिंग कोर्स, और कई सारे कोर्स का सिलेबस भी ये प्रिस्क्राइब करती है।
देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइज नैको भी बोलते हैं इसको, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स, एड्स को कंट्रोल करने के लिए ये डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री, मोदी गवर्नमेंट ने इसको मर्ज कर दिया है नेशनल हेल्थ मिशन के साथ, इसको मर्ज कर दिया है ओके, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को। देन नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, जो इसको ऑरिजिनेट कैसे हुआ है, इंडियन अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ये रजिस्टर सोसाइटी है ऑन 21 अप्रैल 1961 में फॉर द प्रमोशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया, प्रमोट करने के लिए मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इंडिया में प्रमोट करने के लिए, नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस बेटर नोन बाय इट एक्रोमिनम NAMS, NAMS की तरह जाना जाता है, ये नोडल एजेंसी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके, जो कि काम करती है एक एडवाइजरी बॉडी की तरह टू द गवर्नमेंट इन मैटर रिलेटेड टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी और प्लानिंग ओके, एंड एज अ प्रमोटिंग एजेंसी फॉर कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन फॉर मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल ओके, ये पार्ट है किसका, इंटर अकेडमी मेडिकल पैनल का, जो कि ग्लोबल नेटवर्क है मेडिकल अकेडमी का ओके। देन कम ऑन द नेक्स्ट, अकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर एट हाउस अंसारी नगर नायबर टू ऑल इंडिया एम्स के बगल में इसका हेडक्वार्टर है, और इंडियन काउंसिल ICMR के हाउस के बगल में भी, अलोंग विद महात्मा गांधी मार्ग इन द इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, आप इतना याद रखना ओके। ये क्या है, नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल, ये इंस्टीट्यूट सेटअप कब हुआ, टू फंक्शन एज अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओके, किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए, फॉर कंट्रोलिंग अ कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बताया, कोरोना क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज, जो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेबल डिसीज ओके। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूट है, जो कि इस इंस्टीट्यूट का फंक्शन क्या है, इंक्लूड वेरियस एरिया ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कई सारा इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग और रिसर्च करना यूजिंग मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करके ठीक है। द इंस्टीट्यूट वॉज इन एडिशन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को गाइड करती है ऑन रैपिड हेल्थ असेसमेंट एंड लेबोरेटरी बेस्ड डायग्नोसिस सर्विस ओके, सर्विलेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज एंड आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन आर ऑल्सो फॉर्म इन डिसिप्लिन पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, मीन्स सर्विलेंस कंपनी के बड़ी से सर्विलेंस भी करती है और जो इन्वेस्टिगेशन करना किसको कैसे रोका जाए। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ये इंस्टीट्यूट जो है वो किसके अंडर आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये डायरेक्टर जो है ऑफिसर ऑफ पब्लिक हेल्थ का सब कैडर ऑफ सेंट्रल सर्विस इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब जो डायरेक्टर होगा जो पब्लिक हेल्थ का वो इसका हेड होगा, किसका, टेक्निकल हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का हेड होगा ओके। इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है और हैज आउट स्टेशन ब्रांच लोकेटेड इन अलवा, राजस्थान में भी इसकी ब्रांच है, बेंगलोर में भी है, कोझिकोड़े में भी है, कन्नूर में भी है, जगदलपुर में भी है और पटना में और राजमुंद्री में भी है और वाराणसी में भी इसकी रीजनल ऑफिस है इंस्टीट्यूट का। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, ये क्या है, कब सेटअप हुआ है, 11 मई 2000 में, इसको चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, जो साथ में डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जो कि नीति आयोग है, नीति आयोग एज अ वाइस चेयरमैन, और नीति आयोग का जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो इसका वाइस चेयरमैन होता है ओके। और सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द रिलेटेड सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे, सेक्रेटरीज ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट सेक्रेटरी होंगे, एमिनेंट फिजिशियन और डेमोग्राफर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिविल सोसाइटी आर मेंबर ऑफ द कमीशन ओके। बट प्रेजेंटली दिस कमीशन इज फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और ये कमीशन किस में काम करता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। देन कमीशन का मैंडेट क्या है, टू रिव्यू मॉनिटर और गिव डायरेक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, पॉलिसी विद अ व्यू टू अचीव द गोल सेट इन पॉपुलेशन पॉलिसी ठीक है, प्रमोट सैनर्जी बिटवीन हेल्थ एजुकेशनल एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल प्रोग्राम सो टू हेस्टन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, पॉपुलेशन की ग्रोथ ना बढ़े जिससे क्या होगा कि महामारी हो सकती है ओके। और प्रमोट इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम थ्रू डिफरेंट सेक्टर और एजेंसी इन सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब कोऑर्डिनेशन
बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट में कोऑर्डिनेशन ना करना, जिससे कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए। ओके, डेवलप्ड अ विजुअस पीपल प्रोग्राम टू सपोर्ट दिस नेशनल एफर्ट, और ऐसे प्रोग्राम बनाना जो कि पॉपुलेशन को बढ़ने से रोके। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये क्या है? इंडियन बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। ओके, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, वर्ल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ओके, ये लोकेटेड कहाँ है? सिटी ऑफ पुणे में, महाराष्ट्र में, इंडिया में। याद रखना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाता है कहाँ पर है, तो पुणे में। ओके, इसको फाउंड कब करा? साइरस पुनावाला ने 1966 में। ये कंपनी सब्सिडरी किसकी है? होल्डिंग कंपनी ऑफ पुणे वाला इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री की। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इस कंपनी का पार्टनर कौन है? ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका इसकी पार्टनर है, ब्रिटिश कंपनी, जो कि डेवलपिंग AZD1222 इन पार्टनरशिप विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और जो पार्टनर किसकी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ये रिपोर्ट करा गया कि सीरम इंस्टीट्यूट ने वुड प्रोवाइड 100 मिलियन डोज ऑफ द वैक्सीन फॉर इंडिया। मीन्स सीरम इंस्टीट्यूट 100 मिलियन डोज देगा किसके लिए? वैक्सीन इंडिया को, और लो एंड मिडिल इनकम कंट्री को भी देगा। ओके, इस टारगेट को लेटर इंक्रीज टू 1 मिलियन डोज, और बढ़ा दिया इसको 1 मिलियन बाय द एंड ऑफ 2021। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक क्या है? इंटरनेशनल लिमिटेड इसका फुल नाम है, जो कि इंडियन मल्टीनेशनल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। ये काम क्या करती है? ड्रग डिस्कवरी, दवाइयाँ खोजने के लिए या बनाने के लिए दवाइयाँ, या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन बनाने के लिए, बायोथेरेपेटिक और फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने के लिए। और भारत बायोटेक हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिचुएटेड एट जेनोम वैली, हैदराबाद, इंडिया। ठीक है, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जनवरी 2021 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया, परमिशन दी, विच वॉज ग्रांटेड द नेक्स्ट डे, कोवैक्सीन वॉज टू यूज इन क्लिनिकल ट्रायल मोड। कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल का भारत बायोटेक ने बनाया था, कोवैक्सीन को। ओके, और जो अपनी कोवाशील्ड आई थी वो किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, याद रखना। ठीक है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई, जो कि पब्लिक वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो कि ओपन लेवल सिंगल आर्म क्लिनिक ट्रायल इन इटसेल्फ। इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया इसको, ग्रांटेड विदाउट कंसिडरिंग फेज थर्ड ट्रायल डाटा कंसर्निंग एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, ड्रॉ वाइड स्प्रेड क्रिटिज्म। मतलब क्या, थर्ड ट्रायल इसका हुआ नहीं, इसको अप्रूवल मिल गया कोवैक्सीन को, है तो उससे क्या हुआ, कई सारे क्रिटिज्म हुआ, इसकी बुराई हुई कि आपने थर्ड ट्रायल करा नहीं वैक्सीन का, कोवैक्सीन का, और आपने अप्रूवल कैसे दे दिया कोरोना की। तो मार्च 2021 में भारत बायोटेक ने रिपोर्ट दी, जिसमें बोला गया कोवैक्सीन 81% एफिशिएंसी दिखा रही है फेज थ्री ट्रायल में। थ्री ट्रायल हुआ तो उसमें 81% एफिशिएंसी दिखाई। और 20 अप्रैल 2021 में भारत बायोटेक अनाउंस किया कि इट हैज एक्सपांडेड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी फॉर कोवैक्सीन टू 700 मिलियन डोज पर ईयर। मतलब 700 मिलियन डोज पर ईयर बनाएगी कोवैक्सीन वैक्सीन की टाइप। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या है? मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी है, जो कि कहाँ पर, कब बनी? 6 मार्च 2014 में। और ये क्लासिफाइड स्टेट गवर्नमेंट कंपनी की तरह कैसे करी जाती है? और रजिस्टर एट रजिस्टर ऑफ कंपनी ग्वालियर। ओके, कहाँ पर रजिस्टर? रजिस्टर ऑफ कंपनी ग्वालियर। ओके, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल इज, देख लीजिए आप कितनी जीरो है। ठीक है, इतना ऑथराइज शेयर है इसका, इतना पैसे का कैपिटल है, पेड अप कैपिटल। इट पेड अप कैपिटल रुपीज दिस वन, देखो कितना अमाउंट है। जीरो की तो अनगिनत है, जीरो तो अपन सुन नहीं सकते। ठीक है, अपन मिडिल क्लास फैमिली के लोग बाग, ये है ना, इतनी जीरो देख के तो पढ़ने का मन ही नहीं करता। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन ह्यूमन हेल्थ एक्टिविटी। ये ह्यूमन हेल्थ एक्टिविटी में काम करती है। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव इसका, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्ट एज अ सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर ऑल असेंशियल ड्रग एंड इक्विपमेंट फॉर ऑल पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन अंडर द डिपार्टमेंट। ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, आयुष इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आयुष, जो डायरेक्टर ऑफ आयुष है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड विथ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष हेल्थ केयर डिलीवरी, आयुष हेल्थ केयर डिलीवरी को प्रोवाइड करना इसका मेन स्ट्रीम केयर है। ओके, ये सर्विस देती है कम से कम 120 लाख पेशेंट को पर साल,
मतलब कितनी रहती है 120 लाख, मतलब 120 लाख लोगों को पर ईयर ये पेशेंट को इलाज देती है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, अकेले मध्य प्रदेश के अंदर। और ऑफर इट सर्विस इन मेन एरिया ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी, आयुष, ड्रग्स सप्लाई और स्कीम मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एज वेल एज कवरिंग द होल गमोट ऑफ फंक्शन एक्टिविटी रिलेटेड टू आयुष। ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मध्य प्रदेश वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन, मध्य प्रदेश वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1973 में सेटअप हुआ टू मीट द हेल्थ नीड ऑफ द पीपल एंड टू एनहांस देयर रोल इन डेवलपमेंट, मतलब उनका रोल बढ़ाना, ठीक है, हेल्थ में कंट्रीब्यूशन करना, रिसर्च करना। और प्रेजेंटली ये कम से कम नेटवर्क है मोर देन 300 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 3 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रही हैं, वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट के अंदर। ओके, मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन स्ट्राइव टू फुलफिल इट विजन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड हेल्थ रियलिटी फॉर ऑल, मतलब सबको हेल्थ मिले। ओके, इसी का इसका मोटिव है, बाय एंसरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन एमपी, और पूरे पीपल इस चीज में पार्टिसिपेट करें। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल, मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल भोपाल में सेटअप है जो कि 1996 में सेटअप करा गया टू रेगुलेट, किसको रेगुलेट करती है? एलोपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल, जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं उनको रेगुलेट करती है, उनका रजिस्ट्रेशन करेगी, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन लेड डाउन द मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान काउंसिल एक्ट 1987, इस एक्ट के अंदर करेगी रजिस्टर, ठीक है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मध्य प्रदेश पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट क्या करती है? ड्रिंकिंग वाटर स्कीम इंप्लीमेंट करती है जो कि एंश्योर क्या करती है? सप्लाई ऑफ सेफ एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एरिया ऑफ द स्टेट, मतलब साफ पानी मिले गांव गांव एरिया में, साफ पानी मिले इसको वो रेगुलेट करती है। क्या करती है? मध्य प्रदेश पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो क्या करती है कि गांव एरिया में साफ पानी मिले हर आदमी को। ओके, एज पर द प्रोविजन ऑफ नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में क्या है? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम इन रूरल सेटलमेंट, स्कूल्स आंगनबाड़ी में मिले, क्वालिटी अफेक्टेड सेटलमेंट इज डन बेस्ड ऑन द सेट पॉलिसी नॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियर। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जो मेडिकल खोल लेते हैं उस पर नजर रखना इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर। प्राइम फोकस क्या है मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल का? टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन टू द एलिजिबल फार्मासिस्ट, जो मेडिकल होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करती है, जो इसका प्राइम मोटिव है। प्रोसेसिंग रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द फार्मेसी एक्ट, ओके, टू एनफोर्स द नेसेसरी प्रोविजन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल का काम क्या है? ये कब फाउंड हुई? टू एज्योर और प्रमोट क्वालिटी इन द पैरामेडिकल कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स जितने भी हो रहे हैं उसमें क्वालिटी को प्रमोट करना। ओके, जिससे क्या होगा? डेवलप्ड एंड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक जैसा बनेगा रिगार्डिंग पैरामेडिकल कोर्स स्टैंडर्ड। ओके, एम्पावर्ड बाय द मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल एक्ट। ओके, इस काउंसिल, ये काउंसिल क्या करती है? एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, इशू गाइडलाइन देती है, प्रोफेशनल कोड देती है, प्रोफेशनल कोड एंड कंडक्ट देती है, एक्सरसाइज रेगुलेटरी एंड डिसिप्लिनरी पावर फॉर द पैरामेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्स पर ये रेगुलेट करेगी और इसको करेगी, ठीक है। आंसर जनरल क्वेरी फ्रॉम द पब्लिक, और पब्लिक कोई भी क्वेरी पूछता है तो उसका आंसर भी ये देगी। देन कम ऑन द मध्य प्रदेश नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, देखो ये कब सेटअप हुई? 1956 में। इसको पहले क्या बोलते थे? महाकौशल नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल बोलते थे, जो कि इंक्लूड किसमें? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ टिल 2005 तक ये रजिस्टर थी। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद काउंसिल का नाम क्या रख दिया? मध्य प्रदेश नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल, भोपाल में सेटअप हुई 1956 से 1980 तक। कम से कम 56 एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑपरेट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ विच आर गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के ऑपरेट कर रहे हैं, और देयर वर ट्रेनिंग सेंटर भी हैं, और नंबर ऑफ नर्सिंग स्कूल कॉलेज इन द स्टेट इज इंक्रीजिंग, बढ़ते जा रहा है। आपको पता है नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन, तो क्या है? मोर देन 450 नर्सिंग स्कूल और कॉलेज आर फंक्शनिंग अंडर द काउंसिल, और कम से कम 450 नर्सिंग स्कूल और कॉलेज
इस काउंसिल के अंदर काम कर रहे हैं। द कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, देखो वीडियो आपको पसंद आएगा, मैंने पूरा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दो पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन में वीक है, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो उनका पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ कमेंट करें रिलेटेड टू बैच, रिलेटेड टेस्ट सीरीज, ओके, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाएगी। देन आफ्टर थैंक यू सो मच।